अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार्ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। टाटा मोटर्स हैरियर को BS6 इंजन के साथ जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। आमतौर पर बाकी कंपनीज अपनी गाड़ियों के इंजन को BS6 में अपग्रेड करती हैं, थोड़े बहुत पैसे बढ़ा देती हैं और उन्हें वापस से लॉन्च कर देती हैं। लेकिन अगर बात की जाए टाटा मोटर्स के बारे में तो ना सिर्फ हैरियर को अपग्रेड किया गया है बल्कि उसकी डिज़ाइन, इंजन स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, सेफ्टी, ट्रांसमिशन, कलर वेरियंट्स, प्राइसिंग, हर चीज़ में आपको बदलाव मिलने वाला है। इस गाड़ी में नॉर्मली इतने चेंजेस कर दिए गए हैं जितनी दूसरी ब्रांड्स अपने किसी फेसलिफ्ट में कर पाती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज किया गया है इसकी डिज़ाइन में। हालांकि बहुत बड़े चेंज नहीं किए गए हैं, छोटे मोटे बारीक से कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलते हैं। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दो चेंज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज है क्रोम वर्क। पहले आपको क्रोम वर्क कुछ भी नहीं मिलता था लेकिन अब फ्रंट ग्रिल्स और फॉग लैंप्स को एक थिन क्रोम लाइनिंग से अंडरलाइन कर दिया गया है जिसके बाद इसकी फिट एंड फिनिशिंग पहले से ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगी है। दूसरा चेंज किया गया है इस गाड़ी के बम्पर में। पहले आपको सिल्वर और ब्लैक कलर्ड डुअल टोन बम्पर मिला करता था लेकिन अब सिंगल टोन ब्लैक बम्पर ही मिलता है। इन दो चेंजेस के अलावा फ्रंट प्रोफाइल में और कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही DRLs, हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ग्रिल्स, लोगो सब कुछ पहले जैसा ही है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चेंज जो एक बार में नजर आता है वो है एलॉय व्हील्स। पहले भी आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिला करते थे और अब भी उतना ही मिलते हैं लेकिन अब डुअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनकी वजह से इसकी साइड प्रोफाइल पहले से बेटर लगने लगी है। साइड प्रोफाइल में दूसरा चेंज किया गया है इसके ORVM की डिजाइन में। हालांकि मेजर चेंज नहीं है, मामूली सा बदलाव है। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो एक नज़र में तो आपको सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा लेकिन थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों गाड़ियों के रियर बम्पर में आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। पहले के बम्पर में आपको क्रोम वर्क नहीं मिलता था लेकिन अब टेलगेट के ठीक नीचे एक थिक क्रोम लाइन मिलती है। इसके अलावा पहले आपको सिल्वर एंड ब्लैक डुअल टोन बम्पर मिलता था जबकि अब ब्लैक सिंगल टोन बम्पर मिलता है और रिफ्लेक्टर्स के नीचे भी क्रोम वर्क कर दिया गया है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल में आपको और कोई चेंज नहीं मिलता। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक टाटा ने इस गाड़ी के इंटीरियर को ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है लेकिन जितने स्पाई शॉट्स निकलकर सामने आए हैं उनको देखकर पता लगता है कि इसके इंटीरियर में आपको कोई बड़ा चेंज नहीं मिलने वाला, मिनिमल कॉस्मेटिक चेंजेस ही आपको मिला करेंगे। सेकेंड चेंज के बारे में बात करते हैं तो वो किया गया है इस गाड़ी के इंजन में। इस गाड़ी को शुरुआत में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इतनी बड़ी साइज़ में होने के बावजूद भी ये पावर सिर्फ 140 PS की ही जनरेट करती है। हालांकि चलाने में ये गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर्ड नहीं लगती थी, इसीलिए टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के इंजन को पहले से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। ये गाड़ी अब 30 PS ज़्यादा मतलब कि 170 PS की पावर जनरेट करती है और टॉर्क पहले की तरह ही 350 Nm का जनरेट करती है। पहले इस इंजन में 16.7 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता था लेकिन अब ये इंजन पहले से ज़्यादा पावरफुल है और इस इंजन को अपडेट भी कर दिया गया है BS6 एमिशन नॉर्म्स में, इसलिए इसके माइलेज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर तो पड़ा ही होगा। अभी तक इसके ऑफिशियली क्लेम्ड माइलेज फिगर्स निकलकर सामने नहीं आए हैं लेकिन वो लगभग 15-16 KMPL के आसपास होने चाहिए। तीसरा चेंज इस गाड़ी में किया गया है इसके ट्रांसमिशन में, जिसकी वजह से पहले काफ़ी सारे कस्टमर्स इस गाड़ी को इग्नोर कर दिया करते थे। पहले इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिला करता था लेकिन अब हुंडई सोर्स्ड 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, इसीलिए जो लोग इस गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ख़रीदना चाहते थे उन लोगों के लिए रास्ता साफ है। फोर्थ चेंज के बारे में बात करते हैं तो वो है कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। हालांकि अभी तक इस गाड़ी का ऑफिशियल ब्रोशर निकलकर सामने नहीं आया है इसलिए एग्जैक्टली कितने चेंजेस किए गए हैं वो तो नहीं पता लेकिन जितने भी चेंजेस ऑफिशियली टाटा ने दिखाए हैं उनकी बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको अब पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट मिला करेगा जो पहले नहीं मिलता था। इसी तरह से ऑटो डिम IRVM मिला करेगा जो पहले नहीं मिल पाता था। पैनोरामिक सनरूफ मिला करेगी जो आज के ज़माने में इस गाड़ी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें आपको ड्यूअल टोन मशीन कट अलॉय व्हील्स भी मिला करेंगे। तो यही कुछ फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में ऐड किए गए हैं। हो सकता है कुछ छोटे मोटे फीचर्स और ऐड किए गए हों, लेकिन वो इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद ही पता चल सकेंगे। फिफ्थ चेंज की बात करते हैं तो वो किया गया है सेफ्टी फीचर्स में। पहले आपको हैरियर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिला करते थे हर किसी वेरिएंट में। अब इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी स्टैंडर्ड मिला करेगा हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा बात की जाए तो अभी तक टाटा ने ऑफिशियली ये बात नहीं डिस्क्लोज की है, लेकिन टाटा ने अभी हाल ही में लॉन्च हुए नेक्सॉन फेसलिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए थे। इसलिए पूरी पूरी उम्मीद है कि ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको हैरियर में भी स्टैंडर्ड मिला करेंगे। सिक्स्थ चेंज किया गया है इस गाड़ी के कलर ऑप्शंस में। पहले आपको इसमें 8 कलर ऑप्शंस मिला करते थे, जिनमें से 2 डुअल टोन थे, लेकिन अब इसमें आपको एक नया कलर मिला करेगा, रेड कलर। और जहां तक है, ये रेड कलर इस गाड़ी के पुराने ऑरेंज कलर को रिप्लेस करके ऐड होगा। सेवंथ चेंज किया गया है इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप में। इसमें आपको एक नया वेरिएंट मिला करेगा XZ प्लस, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन दिए जाएंगे। हालांकि ऑटोमेटिक आपको 3 वेरिएंट्स में मिला करेगा, XM, XZ और XZ प्लस। एट्थ चेंज के बारे में बात करते हैं तो वो है प्राइसेस। इस गाड़ी के इंजन को अपग्रेड किया गया है, कई सारे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस गाड़ी के प्राइसेस को भी बढ़ाया ही जाएगा। अभी इस गाड़ी को लॉन्च नहीं किया गया है, ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया जाएगा, इसलिए एग्जैक्टली कितने प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे वो तो तभी पता चल पाएगा। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो BS6 टाटा हैरियर को करीब 30,000 रुपये से 1,25,000 रुपये ज़्यादा प्राइसेस में लॉन्च किया जाएगा। अगर करंट प्राइसेस की बात करें तो एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 13.44 लाख रुपीज से शुरू होकर 17.31 लाख रुपीज की मिल जाती है। इन सभी चेंजेस के अलावा एक और फीचर आपको टाटा हैरियर में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये फीचर कहीं से भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि ये हैरियर में शायद मिल जाए। वो है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जी कनेक्ट। इस फीचर को टाटा ने हाल ही में लॉन्च हुए नेक्सॉन फेसलिफ्ट में ऐड किया था। हैरियर नेक्सॉन से प्रीमियम कार है, इसलिए पूरी पूरी उम्मीद है कि टाटा इस गाड़ी में भी इस फीचर को देगा। तो बस इतना ही कुछ नया आपको मिलने वाला है टाटा हैरियर में। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इन चेंजेस के बाद टाटा हैरियर के सेल्स फिगर में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।